नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित देवांगन आज आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूं हमारे चार्ट पैटर्न सीरीज में फ्लैग पैटर्न स्क्रीनर, जो बहुत ही पावरफुल पैटर्न है जिसको यूज करके आप काफी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हमारे हर वीडियो में करते हैं, हम सबसे पहले एक पैटर्न के बारे में कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसका कंस्ट्रक्ट कैसे क्रिएट होता है, उसका स्क्रीनर बनाते हैं और आपके लिए बाद में ये प्रेजेंटेशन देते हैं जिससे कि आपका कंप्लीट इकोसिस्टम होगा। यदि आपने पुराने हमारे वीडियोस देखे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे नए पैटर्न्स बनाए। यदि नहीं देखा है तो मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ कि हम कैसे प्रोग्रेस करते हैं। एक नया पैटर्न बनाते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखाते हैं। ये पैटर्न हमारे AI NI यूज़ करके बनाते हैं, जैसे फ्लैग पैटर्न है। इसके पहले हमने बनाया था राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम स्क्रीनर देखेंगे, ये राउंडिंग बॉटम है जो अलग अलग आप टिक में यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, और नीचे इसका वीडियो रहेगा यहाँ पे। तो यदि आपका ये वीडियो मिस भी हो जाएगा तो कभी आप राउंडिंग बॉटम में आ रहे हैं टॉप स्टॉक रिसर्च में, तो आपको ये वीडियो देखने का तब भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, राइट। उसी प्रकार आप देखिए कोई भी पैटर्न जो आपको चाहिए है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न है तो ट्रायंगल पैटर्न है तो ट्रायंगल पैटर्न में नीचे यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद उसका एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा और वीडियो मिल जाएगा नीचे यहाँ पे। ओके, सो वापस जाते हैं हम फ्लैग पैटर्न, जो हमारा पैटर्न है। एक क्विक रिवीजन बताते हैं हमारे पास क्या क्या पैटर्न्स हैं टॉप स्टॉक रिसर्च में। टॉप स्टॉक रिसर्च में हमारे पास ट्रायंगल है, हेड एंड शोल्डर है, ट्रिपल टॉप बॉटम, डबल टॉप बॉटम, असेंडिंग चैनल, फ्लैग, राउंडिंग टॉप बॉटम, कप एंड हैंडल, वी पैटर्न, पेनेंट, बहुत सारे पैटर्न है। सो पैटर्न्स का हमारा कंप्लीट स्वीट है, जितने भी स्टैंडर्ड पैटर्न्स होते हैं। ट्रेंड लाइन स्क्रीनर्स हैं हमारे पास और NRWR4 पैटर्न्स है। यदि आप नए हैं तो आपके लिए एक क्विक रिवीजन के लिए, और बहुत ही जल्दी अगले महीने हम हार्मोनिक पैटर्न्स भी लेके आ जाएंगे इस पैटर्न के स्वीट्स में। सो कमिंग बैक टू हमारा फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न क्या होता है? फ्लैग पैटर्न होता है एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, बट ये पैटर्न्स अगर आप समझते हैं तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट जो वो होते हैं, क्या नाम है, डिफरेंट जो मार्केट मूवर्स होते हैं, जो मार्केटिंग फोर्सेस होती हैं, जिसके बाद ये पैटर्न बनता है, और उसके बाद उतना ही अच्छा निखार और उतनी अच्छी रिलायबिलिटी आती है। तो ये बताया जा रहा है कि ये पैटर्न है, ब्रीफ कंसोलिडेशन होता है आफ्टर प्राइस कंटिन्यू मूविंग अ सर्टेन डायरेक्शन। ओके, इसमें एक फ्लैग पोल होता है, फ्लैग होता है। थ्योरी से ज़्यादा बिना आपको सीधा सीधे एक एग्जाम्पल में लेके जाता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न का स्ट्रक्चर लगभग ऐसा होता है, नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, एक अप ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड बनने के बाद एक साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज आता है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है। तो इसमें जो देखने वाली चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें होती है। सबसे पहले तो एक अप ट्रेंड होता है, यहाँ से यहाँ ऊपर जाता है, जिसको हम पोल कहते हैं। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन नॉर्मली हॉरिजॉन्टल नहीं होता, थोड़ा फ्लैटिश नहीं होता, थोड़े नीचे की ओर जाता है, तो और फिर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आता है। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, सबसे पहले देखेंगे कभी भी मार्केट में मार्केट मूव करने के लिए रिटेल्स का तो डेफिनेटली पार्टिसिपेशन रहता है, लेकिन रिटेल का कभी पार्टिसिपेशन बहुत मेजर स्केल पे नहीं होता। रिटेल का पार्टिसिपेशन अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू हो रहा है तो भी एक इंस्टीट्यूशन होता है जो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सारे स्मार्ट मनी जो बोलते हैं, स्मार्ट मनी के साथ आते हैं और काफ़ी सारे उनके पास फैक्टर्स होते हैं जो समझते हैं। तो इसकी आप साइकोलॉजी समझेंगे तो आप देखेंगे नीचे से एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड बना। यहाँ अपट्रेंड बनने के बाद क्या होता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो स्मार्ट मनी होता है थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करता है और मार्केट धीरे 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 करके ये नीचे की ओर जाता है। यहाँ पे क्या है, जो वीक मनी होता है उनको लगता है कि ये ट्रेंड खत्म हो रहा है तो वो एग्जिट करते हैं और यहाँ पे बहुत सारा फिर से सप्लाई क्रिएट करते हैं, राइट। सपोज ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहता तो लोगों को लगता, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो कम इन्फॉर्म्ड यूजर्स हैं, उनको लगता है कि ये मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है और वो कंटिन्यूसली बाय करते। तो किसी स्मार्ट आदमी को अगर यहाँ पे पैसे पुल आउट करना है तो वो ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ, क्योंकि एक इंडिविजुअल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं कर सकता, तो मार्केट का डायरेक्शन बहुत मेजर सेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा हिट लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, हिट लेते हैं और एक जनरल परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि ये मार्केट अब बहुत हो गया, बहुत ऊपर चले गया, राइट। अब नीचे आते हैं तो यहाँ जो वीक मनी है उनको लगता है कि ठीक है, इतना प्रॉफिट तो बन चुका है हमारा, हम निकल लेते हैं स्टॉक में। तो यहाँ पे मेजर सप्लाई आता है, जैसे जैसे नीचे सप्लाई आते जाते हैं थोड़ा थोड़ा स्मार्ट मनी आता है और स्मार्ट मनी आके यहाँ पे बाइंग करता है फिर ये ऊपर जाता है। तो यहाँ पे जितने शॉर्ट सेलर्स हैं उनके कारण यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती है तो मार्केट और ऊपर जाता है। तो जो स्मार्ट मनी और ये मार्केट लेके बहुत ऊपर की ओर निकल जाता है। तो इसमें मल्टीपल चीज़ें जो हमें समझना है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सबसे पहले मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको सरल भाषा में हम समझते हैं तो मार्केट कभी बहुत तेज कोई दौड़ता है तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो उसको उस दृष्टि से देखेंगे तो आप यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, थोड़ा सा
जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं, जिसमें वीक मनी आउट बोलते हैं, राइट। और थोड़ा सा आपका इंस्टीट्यूशंस जो मिलियंस ऑफ वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं, लाखों वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं, उन वो लोग यहाँ पे आके डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर ये जैसे नीचे आते जाते यहाँ पे वीक मनी को लगता है कि ठीक है जितना प्रॉफिट बन गया उतना तो ले लो कम से कम, पता नहीं मार्केट वापस नीचे आ जाएगा तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा या फिर लॉस में भी जा सकता है, तो वो एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे वो जो सप्लाई क्रिएट होती है, यहाँ पे जो सप्लाई क्रिएट होती है इसमें स्मार्ट मनी धीरे धीरे करके पिक करता रहता है, राइट। कभी कभी ये लेवल भी नीचे ब्रीच कर सकता है, थोड़ा सा लेवल ब्रीच कर सकता है जिससे कि लोग और हताश हों और मार्केट से निकलें। यहाँ पे स्मार्ट मनी आता है और ये बाइंग करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे बाइंग करने जाता है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती है और मार्केट और ऊपर की ओर एग्रेसिवली जाता है, राइट। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी है फ्लैग पैटर्न का। समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा और स्पॉट करना भी शायद दिक्कत होगी, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि ये जो पैटर्न इसका कॉन्सेप्ट है और इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ लेके जाते हैं, राइट। सो वापस यहाँ आते हैं, एक ये जो कंस्ट्रक्ट दिखाया है फ्लैग पोल है, फ्लैग है और ये एक ब्रीफ कंसोलिडेशन पैटर्न होता है। तो ये ब्रीफ कंसोलिडेशन हो गया आपका ब्रीफ और ये अपना फ्लैग एंड देन फर्दर ब्रेकआउट। यदि आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करते हैं असेंडिंग चैनल ब्रेकआउट, तो ये असेंडिंग चैनल ब्रेकडाउन के हिसाब से भी देख सकते हैं आप, फ्लैग पैटर्न के हिसाब से भी देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के हिसाब से भी देख सकते हैं और जनरल मार्केट का कंस्ट्रक्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये पैटर्न बहुत यूजफुल और पावरफुल पैटर्न है। हम चलते हैं अब इस पैटर्न की और ये पैटर्न का रियल वर्ल्ड एग्जांपल। फ्लैग स्क्रीनर पे जाते हैं, NSE 500 के कुछ स्टॉक्स निकालते हैं डेली टिक पे, यहाँ पे देखते हैं। तो ये पैटर्न आप देखेंगे, यहाँ से ऊपर गया अच्छा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और उसके बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है और यदि ये ब्रेकआउट दिया तो ये पैटर्न कंप्लीट होता है और आप एंटर कर सकते हैं, राइट। दूसरा स्टॉक यूको बैंक, यूको बैंक यहाँ से नीचे जा रहा है ऊपर, वापस नीचे आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और ये वापस ऊपर जा सकता है। तो ये देखिए फ्लैग यहाँ पे बन रहा है आपका, और ये राइट, ये फ्लैग टाइप का बन रहा है, थोड़ा सा जरूर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट हुआ है बट ओरिजिनल जो ट्रेंड है ये फ्लैग टाइप का दिख रहा है आपको, तिरंगा आपको दिख रहा होगा ऐसे, राइट। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब देखेंगे ये पैटर्न्स। तो ये पैटर्न जब भी ऊपर गया है यहाँ पे तीन बार यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है इसका पैटर्न का। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि कभी भी पैटर्न्स को आप आइसोलेशन में देखेंगे तो हो सकता है कि आप काफी लॉस कर सकते हैं, इसलिए पैटर्न्स के जो भी चीज़ें इसको टोटैलिटी में देखेंगे, पूरा कंप्लीट पिक्चर के साथ आप देखेंगे तो आपको पिक्चर समझ में आएगी ज़्यादा अच्छी। यहाँ से देखेंगे आप तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे देखिए फ्लैग पैटर्न बना, फ्लैग पैटर्न बनने का फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया हाई वॉल्यूम के साथ, फिर फ्लैग पैटर्न बना, थोड़ा सांस लिया मार्केट दौड़ते दौड़ते, फिर ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे बन रहा है। तो आप इसी इसमें देखेंगे तो तीन फ्लैग पैटर्न टाइप का बन रहा है, तीनों पैटर्न में एक जो सिमिलैरिटी है, नंबर वन जब भी ऊपर जा रहा है बहुत हाई वॉल्यूम के साथ जा रहा है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ जा रहा है, जब नीचे आ रहा है तो हाई वॉल्यूम के साथ नीचे नहीं आ रहा है, राइट। जब भी नीचे जा रहा है हाई वॉल्यूम के साथ नीचे नहीं जा रहा है, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है बी एस सॉफ्ट का देखेंगे, ये भी एक लॉन्ग टर्म का पैटर्न बन रहा है, लॉन्ग टर्म का फ्लैग पैटर्न बन रहा है। आप ज़्यादा कैरिड अवे नहीं हो सकते क्योंकि कभी कभी ये ब्रेकडाउन भी हो सकता है फ्लैग पैटर्न, राइट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका पूरा साइकोलॉजी स्ट्रक्चर वगैरह देखना है। जैसे यहाँ पे है तो यदि ये फ्लैग पैटर्न आप देख रहे हैं, आपको लगता है फ्लैग पैटर्न बन रहा है और स्क्रीनर ने निकाल के दिखाया है, तो ये कहाँ से बाउंस कर रहा है, ये बाउंस कर रहा है इस लेवल से लगभग, राइट, इस लेवल के लगभग ये बाउंस कर रहा है। तो इसको आप देखेंगे तो ये डबल बॉटम भी बन सकता है आपका, ये आपका एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी बन सकता है। तो आप जितने ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको इसमें आएंगे, ओके। तो यहाँ पे एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो प्रीवियस लेवल से सपोर्ट है, तो ये तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल होगा। एकदम डॉट स्टॉप लॉस पे नहीं लगाएंगे अगर आप एंटर करते हैं तो, हो कायदे से आपको एंटर करना चाहिए लेवल के ब्रीच होने के बाद, राइट। तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट पे एंटर करते हैं आप, इस एरिया पे एंटर कर रहे हैं तो ये कंसोलिडेशन, तो ये फ्लैग पैटर्न पे आप एंटर नहीं कर रहे हैं, कंसोलिडेशन वाले पे कर रहे हैं। जब ये लेवल ब्रीच होता है, एक पहला लेवल ये और दूसरा लेवल ये दो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच होने के बाद आपको एक बहुत अच्छा मोमेंट मिल सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ भी पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है अगर आपका,
राइट, इस इन लेवल पे पार्टिसिपेशन वॉल्यूम के साथ भी यहाँ पे ब्रीच करता है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था। ये एग्जाम्पल में देखेंगे आप तो यहाँ देखिए, जब भी हाई ऊपर की ओर जा रहे हैं, बहुत ये बहुत दिन से ये कंसोलिडेशन फेज में था ये मार्केट आपका, राइट, बहुत दिन से कंसोलिडेशन फेज में था। उसके बाद ये पहला फ्लैग बना इधर पे, फिर यहाँ पे दूसरा छोटा सा फ्लैग बना। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये फ्लैग बनने के पहले, पूरा ये ब्रीच आउट के पहले ही आपको एक हायर वॉल्यूम के साथ दिखना स्टार्ट हो गया था। तो यदि आपको हायर वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे, बहुत मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाइंग है यहाँ पे, राइट, तो आप ये सब चीज़ भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एंटर करना थोड़ा रिस्की है, बट आप अगर यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर आपको मूवमेंट मिलता है तो आप अर्ली एंट्रेंट है। दूसरा लेवल ये ब्रीच होगा, ये लेवल्स ब्रीच होंगे और ये लेवल ब्रीच होगा, तो आपको एक प्रॉपर फ्लैग पैटर्न बनेगा। तो आपका रिस्क एपेटाइट कितना है उसके हिसाब से आप एंट्री करनी है। यदि आप हाई रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे कहीं पे बहुत अच्छा पैटर्न है, जैसे यहाँ पे सपोज आपका एक बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है इस एरिया में, जैसे कि मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो रहा है या फिर यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली क्रिएट हो रही है, राइट, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पे एंटर करने के लिए इसमें, ओके, ड्रॉप बेस रैली में यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा, मॉर्निंग स्टार बन गया यहाँ पे, लॉन्ग वाइट कैंडल बन गया, बिग मोरोबोजू विथ वॉल्यूम बन गया, तो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे एंटर करने के लिए वापस लाइन पे जाता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। ये लेवल ब्रीच होता है तो नेचुरली आप क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, एक तो ये फ्लैग पैटर्न बनने का तैयारी कर रहा है, ये लेवल ब्रीच हो रहा है तो एक अपना प्रीवियस लेवल्स का आपका सपोर्ट, ये ब्रीच होता है, ये ब्रीच होता है। तो आप देखेंगे कि केवल आप एक सिंगल चीज़ पे जाएंगे तो आपको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि देख रहे हैं और वर्क नहीं कर रहा, तो आपको ये पिक्चर टोटालिटी में देखनी है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत सरल भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा आर्ट भी लगता है इसमें, साइंस भी है, साइंस तो हमने ऐड कर दिया इसमें पैटर्न क्रिएट करने में, राइट, इसमें थोड़ा आर्ट है जो आपको अपने से इंक्लूड करना है। तो इस लेवल पे आप इस स्टॉक में आप ऐसा कुछ मूवमेंट देखना चाहेंगे जो मार्केट को ऊपर ले जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ऐसे मूवमेंट दिख रहे हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ आप यहाँ स्पॉट करिए, अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न स्पॉट करिए, प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो अभी नहीं है ज़्यादा, फिबोनाची मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक लेवल, तो वो भी आपको एक अच्छी चीज़ें बता सकता है। ये है आपका 38% के आसपास यहाँ पे फिबोनाची पे रिट्रेस कर रहा है, ये रिट्रेस कर रहा है तो इस लेवल को ऑनर कर रहा है और आगे निकल सकते हैं। हालांकि फिबोनाची पे मैं बहुत सेपरेट एक वो बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट अभी हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है चार्ट पैटर्न्स। तो आप ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न्स के साथ आप दूसरी चीज़ें भी और देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, राइट, ये एक फ्लैग पैटर्न और बन रहा है। तो उसी प्रकार आप यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म पैटर्न बन रहे हैं, जैसे ये है यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया था, ये शॉर्ट टर्म फ्लैग पैटर्न बना, यहाँ पे एक दूसरा फ्लैग पैटर्न बना, तीसरा फ्लैग पैटर्न बना। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप अगर सरल उसमें देखते हैं तो हायर हाई हायर लो सकता है, बट इस फ्लैग पैटर्न जो बन रहा है अभी जो मोस्ट रिसेंट आप देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर आपका वो बन रहा है, सपोर्ट लाइन एक स्ट्रांग बन रही है, राइट, इस लेवल पे लगभग एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन आ रहा है। तो यदि यहाँ से ब्रिज करता है तो अच्छा आएगा क्योंकि आपके पास एक मेजर कंसोलिडेशन है। तो फ्लैग पैटर्न प्योरली थियोरेटिकल वे में फ्लैग पैटर्न है, बट प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा कम है ये, क्योंकि इसमें आपके जो दूसरे जो फैक्टर्स आ रहे हैं इस लेवल पे लगभग एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन आ रहा है। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, स्क्रीनर ढूंढ के देगा आपको बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आपको ये लेवल ब्रिज नीचे हो गया तो ये गया पैटर्न, इसको आप इसको स्ट्रॉन्ग फ्लैग के साथ साथ इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वाले के साथ भी लेके चल सकते हैं। जैसे बताया मैं आपको, आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग है कैंडल पैटर्न की, अंडरस्टैंडिंग है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, फिबोनाची की है, या फिर आपको अपने इंडिकेटर्स पे भरोसा है, जैसे यहाँ पे अगर हम RSI ऐड करते हैं तो ये RSI का देखेंगे यहाँ पे इस लेवल से ये ओवरसोल्ड लेवल से ये ब्रिज करके ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये यहाँ पे RSI वाइज तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है आपको, तो यहाँ पे रिट्रेस भी कर सकता है यहाँ से और रिवर्स भी कर सकता है इस लेवल पे। तो बहुत सारे और फैक्टर्स आप देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, ओके, ऐसे यहाँ पे ढूंढ सकते हैं पैटर्न्स। आप इसको किसी भी स्टॉक बास्केट में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टिक पे कर सकते हैं। सपोज हमें एक घंटे के इसमें फ्लैग पैटर्न ढूंढते हैं, ओके, इंटरेस्टिंगली कोई नहीं आया। 30 मिनट्स के फ्लैग पैटर्न में एक आया वोल्टास, देखिए कितना अच्छी क्वालिटी का ये। तो ये देखेंगे ये प्रॉपर फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है आपको, राइट, फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है। ये प्रॉपर पोल है जो हमने एग्जाम्पल में लिया था, ये प्रॉपर पोल है, फ्लैग है, और यदि ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत ऊपर जाएगा, राइट। ब्रेकआउट कहाँ, किस लेवल पे चाहिए, इस लेवल, ऐसे आपका स्लोपिंग ट्रेंड लाइन लेते हैं आप,
राइट, ये लेवल ब्रिज करता है तो अच्छा देगा, ये लेवल ब्रिज करता है इमीडिएटली करता है तो यहाँ पे आप देखेंगे डबल बॉटम फॉर्मेशन भी बन सकता है यहाँ पे, राइट। तो आप ऐसे मल्टीपल चीज देखेंगे जिससे बन सकता है। फिर इसका अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म प्रीवियस लेवल्स पे है तो ये लेवल को भी ब्रिज कर रहा है, तो एक ये छोटा सा ये जोन ऑफ थोड़ा सा वो होगा आपका कंसोलिडेशन एरिया और एरिया ऑफ कंजेशन होगा ये, यदि ये ब्रिज करता है यहाँ पे तो एक प्रॉपर फ्लैग पैटर्न बन के आप अच्छा मूव ले सकते हैं। तो आप इसको किसी भी टिक पे देख सकते हैं, यदि आप नए हैं बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम आएगा, और नए हैं आप तो सीधा पैटर्न पे मत जाइए, पैटर्न अच्छा है वेल एस्टैब्लिश्ड है इंडस्ट्री में अच्छा रिकॉग्नाइज्ड है, बट आपको जब तक ये पैटर्न में मास्टरी नहीं होगी तब तक आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, जैसे आप 50-60 दिन पहले जाके देख सकते हैं कौन से पैटर्न बने, 10 मई को ये पैटर्न्स बने, उसके बाद क्या हुआ इस पैटर्न बनने के बाद, राइट, ये पैटर्न यहाँ पे बना और उसके बाद ये ऊपर गया, छोटा सा मूवमेंट दिया। आईआरबी का देखते हैं, तो आईआरबी का ये पैटर्न बना यहाँ पे फ्लैग पैटर्न नीचे से यहाँ पे और मूवमेंट दिया, यहाँ ऊपर तक गया मूवमेंट, राइट। छोटे पीरियड में बन रहा है तो इसका आपका स्टॉप लॉस और ये चीज़ थोड़ा छोटा होता है, राइट। यहाँ पे पैटर्न बना और ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट नीचे चले गया, राइट। तो क्योंकि ये जो पैटर्न बना है ये प्रीवियस कंजेशन लेवल्स में ही था, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं अगर आप प्रीवियस सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को साथ में लेके चलते हैं तो आपका लॉस होने के चांसेस कम होंगे, राइट। ये पैटर्न जरूर ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया, क्योंकि ये लेवल ब्रिज करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ पे ये एरिया आपका थोड़ा सा कंजेशन एरिया है और अच्छा रेजिस्टेंस लेयर ऑलरेडी है ये, और ये लगभग उसी लेवल पे कर रहा है काम, तो बहुत अच्छा नहीं है। तो अपना जो भी नॉलेज है एक्सपर्टीज है उसको बेटर करना है, शार्पन करना है अपने स्किल्स, तो आप इसके बैक टेस्टिंग पे जाके देख सकते हैं और आपको ये बेटर आएगा। आप लोग अगर प्रोफिशिएंट ऑलरेडी हैं पैटर्न में तो आपको ये पैटर्न ढूंढने में बहुत इजी होगा, अदरवाइज ऐसे पैटर्न्स को ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, चार्ट बाई चार्ट आकर आप जाके देखते हैं तो आप आधे तो ऐसे ही टायर्ड हो जाएंगे पैटर्न ढूंढने में। फिर होता ये है कि इतने दिन बाद कुछ मिला तो आप ले लेते हैं, इंपल्सिव हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत लगी कि आज कुछ तो करना है तो आप इंपल्सिव हो जाते हैं। इसलिए ये पैटर्न्स हैं, आपका 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता पैटर्न्स ढूंढने में, हमारे चार्ट्स हैं, नेक्स्ट 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 करते जाइए आपको नेक्स्ट नेक्स्ट रिजल्ट्स मिलते जाते हैं, और आप बहुत कम समय पर आप अपना रियल पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको ट्रेड कर सकते हैं इस पैटर्न को। इस पैटर्न में आपका इसका जस्ट अपोजिट होता है फ्लैग का, बेरिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश में नीचे से ऊपर जाके एक सॉर्ट ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है, इसमें ऊपर से नीचे आता है असेंडिंग ट्रायंगल और फिर नीचे चले जाता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलर कॉन्सेप्ट आते हैं, स्मार्ट मनी, वीक मनी, प्रॉफिट बुकिंग, इंस्टीट्यूशन का मैनिपुलेशन, पैनिक, ग्रीड, वो सारी चीज़ें जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ इसमें भी आती हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट है बियरिश फ्लैग पैटर्न, आपको बियरिश फ्लैग पैटर्न चाहिए तो बियरिश पैटर्न पर जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप जाके देखते हैं बियरिश पैटर्न में तो बियरिश फ्लैग यहाँ मिल जाएगा आपको, और ये लगभग इसका जस्ट अपोजिट है, ऊपर से नीचे आ रहा है और ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। थोड़े बड़े स्केल पे देखते हैं तो शायद और ज़्यादा स्टॉक्स आ जाएंगे, राइट, ऊपर से नीचे आ रहा है और ये कंसोलिडेट हो रहा है इस लेवल पर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये पैटर्न्स। ओके, पैटर्न के कुछ एडवांटेजेस, एक तो ईजी है स्पॉट करने के लिए, फ्लैग देखेंगे फ्लैग सबको अच्छे से पता है समझता है, फ्लैग पैटर्न इजी टू स्पॉट है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, देन इसका एंट्री पॉइंट्स ब्रेकआउट के बाद होता है, बट ब्रेकआउट के बाद कई बार ऐसा होता है कि आप मूवमेंट मिस कर जाते हैं, छोटा सा टारगेट होता है जैसे फ्लैग पैटर्न का आप यहाँ पे देखेंगे तो टारगेट जनरली टारगेट इतना करीब टारगेट होता है आपका प्राइस टारगेट, यहाँ से यहाँ तक का इतना टारगेट होता है, अगर आप लेट एंट्री करते हैं यहाँ के मूवमेंट ऑलरेडी हो गए तो आपका चांसेस कम हो जाते हैं। प्लस सेम चीज़ बहुत लोग एक साथ देख रहे हैं, अब ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो वर्ल्ड वाइड ओपन है, हालांकि हमारा टूल इजीली फाइंड करके देता है, बट ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बहुत है और आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, तो अपॉर्चुनिटी कभी कभी आप जैसे ही मूवमेंट लेते हैं अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिस हो सकती है, तो आप अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो आप अर्ली मूव कर सकते हैं इसमें, राइट, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा बेटर आ जाता है आपका। और फिर इसका जस्ट ऑपोजिट ये है, एडवांटेज देख रहे थे हम, क्लियर एंट्री पॉइंट, गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉस आइडेंटिफाइबल होता है, प्रीवियस लेवल्स को धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एसेट क्लास पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। फ्लैग पैटर्न ऑडियंस, इंट्राडे ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म टिक्स पे, स्विंग ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं डेली टिक पे या फोर आवर टिक पे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं,
और इन्वेस्टर्स ज़्यादातर इसको उसमें नहीं जाएंगे, यहाँ जरूर लिखा हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है ये पैटर्न, बिकॉज इन्वेस्टर्स का कॉन्सेप्ट और फिलोसफी काफ़ी अलग होती है, करेक्ट नहीं है, बट ठीक है फिर भी वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये पैटर्न बन रहा है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आए कि पैटर्न बना है और आपके फंडामेंटल्स ठीक हैं, तो आपको स्ट्रेंथ बेटर मिलती है। तो जो फंडामेंटल वाले होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो टेक्निकल्स देखते हैं सिर्फ एक एडिशनल कन्फर्मेशन के लिए, उनका प्राइमरी टूल ये नहीं होता, राइट। तो इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही दोस्तों, बहुत ही जल्दी हम लेके आएंगे एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न, और इस वीक कमिंग वीक हम वी पैटर्न लेके आएंगे और शायद हायर हाई हायर लोज में काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन ले आएंगे। पहले वाले जो था हमारा एआई बेस्ड सिस्टम, थोड़ा सा ऑब्वियसली समय के साथ वो उसमें एक इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है, तो हम हायर हाई हायर लोज को हायर इम्प्रूव करके हमारा एआई एनआई जो टूल्स हैं उसमें बेसिकली रिग्रेशन करके आपके लिए प्रेजेंट करेंगे, तो हो सकता है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आए पहले से, दैट्स हमारी कोशिश यही रहेगी, और हार्मोनिक पैटर्न लेके आएंगे। यदि आपको कुछ और हेल्प और सपोर्ट चाहिए तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे हमारे सपोर्ट नंबर्स हैं। आप अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो हमारे पास प्रोडक्ट का ओवरव्यू है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, अधिकतर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे हमारे वीडियोस भी बने हुए हैं, प्राइस सेक्शन पे बहुत सारे वीडियोस बने, कैंडलस्टिक एमएससीडी आरएसआई इनमें वीडियोस बने हुए हैं हमारे, राइट। अगर आपको वन ऑन वन सपोर्ट चाहिए और डेमो चाहिए तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर डेमो कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ चीज़ है जो आप एक्सप्लेन कुछ आपका रिक्वायरमेंट है और अपना समय बचाना चाहते हैं और आप पहले लिख के आप हमारे एग्जीक्यूटिव को बताना चाहते हैं, तो एग्जीक्यूटिव आपका वो चीज़ देख जो आपका कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है उसमें आप अपने क्वेश्चंस लिखिए, क्वेरी डालिए, हमारे एग्जीक्यूटिव जब आपको कॉल करेंगे तो बेटर प्रिपेयर रहेंगे आपके आंसर के लिए, तो यह आपका समय उससे काफ़ी बचेगा, तो आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही दोस्तों, बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न के साथ, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी।